Hello viewers, in today's lecture we are going to discuss on a new topic of ancient Indian history. और आज के इस लेक्चर में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के एक नए टॉपिक पर विचार करेंगे जो कि है अर्ली पास्टोरल एंड एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ द आर्कोलॉजिकल सोर्सेज स्पेशल रेफरेंस टू न्योलिथिक एंड कैलकुलिथिक कल्चर. और इसका जो अध्याय का जो टॉपिक है वो है आरंभिक पशुचारण एवं कृषि समुदाय पुरातात्विक साक्ष्य और विशेष संदर्भ में नवपाषाण और ताम्रपाषाणिक संस्कृति. देखिए, अब हमने इतिहास के उस पिछले लेक्चर में हमने जो सोर्सेस थे उनके बारे में डिस्कशन किया था कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे प्राचीन इतिहास को जानने के लिए स्रोत हैं, जिसमें हमने पुरातात्विक स्रोत, लिखित स्रोत यानी साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण या पिलग्रिम अकाउंट्स के बारे में बात की थी. अब हम अपने इस लेक्चर में आगे देखेंगे कि भारतीय इतिहास का जो ऐतिहासिक चरण है जिसके बारे में हम अध्ययन करना चाहते हैं और इससे बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं, वो क्या है. तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने देखा, अब यहाँ से जब इतिहास हिस्ट्री बिगिंस विद दिस पर्टिकुलर एज एंड इन दिस पर्टिकुलर एज वी कैन फाइंड आउट व्हाट आर द मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ द इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री. और इस इंडियन हिस्ट्री में हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें भारतीय पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को जानने में सहायता करती हैं, और उसके साथ साथ हम इतिहास को जानने की भी कोशिश करेंगे. तो इसमें सबसे पहला जो चरण हमारे यहाँ पर आता है वो आता है कि हम पहले तो भारतीय भौगोलिक परिदृश्य को जान लें, यानी कि जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज या कंडीशंस हैं उसको जान लें, वेजिटेशन को जान लें, क्लाइमेट को जान लें, उसके बाद हम भारतीय इतिहास को अच्छी तरह से समझ सकते हैं. तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सबसे पहली बात कि भारतीय इतिहास के जिस संदर्भ की हम बात करते हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में हम बात करते हैं. और जिस समय की हम इतिहास की बात आज कर रहे हैं उस भारतीय इतिहास में 6 मुख्य देश जो आज वर्तमान में हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और भारत के बारे में तो हम जानते ही हैं. तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जितने भी देश थे ये प्राकृतिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा में बंधे हुए थे. अब ये प्राकृतिक सीमा क्या है? तो प्राकृतिक सीमा के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली प्राकृतिक सीमा बनाई जाती है हमारे उत्तर और पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, वो बनाता है हिमालय पर्वत, हिमालयन माउंटेन रेंजेस. और हिमालयन माउंटेन रेंजेस हम जानते हैं कि ये अफ़गानिस्तान से शुरू होता है और नॉर्थ ईस्ट में हमारे यहाँ पूरे जो मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर वाले जो क्षेत्र हैं, राज्य हैं, उनको पूरा घेरता है. तो यहाँ से ये शुरू होकर पूरे हमारे भारत की जो उत्तरी सीमा है उसको कवर कर लेता है. तो ये एक नेचुरल बाउंड्री हमारे साथ बनाता है. और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब हम पश्चिम की तरफ सीधा जाते हैं तो वहाँ पर हमें अरब सागर मिलता है, और फिर उसके नीचे की तरफ अगर हम साउथ की तरफ देखेंगे तो साउथ में इंडियन ओशियन या हिंद महासागर है, और पूर्व की तरफ हमें पता है कि बंगाल की खाड़ी है. तो ये जो पूरा का पूरा एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, ये प्राकृतिक या नेचुरल ज्योग्राफिकल बाउंड्री है. और इसके साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि हम इसके अध्ययन को 3 मुख्य भागों में बाँट कर देखते हैं. नंबर एक भाग है हिमालय का पर्वतीय मैदान, यानी कि हिमालय पर्वत या माउंटेन रेंजेस, जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस है उनके बाद का जो प्लेन एरिया है वो क्या है. और उसके बाद जो दूसरा एरिया आता है वो मध्य भारत का एरिया आता है, और जिस मध्य भारत के एरिया को हम लोग कहते हैं दक्कन का पठार या मध्य भारत का पठार. और तीसरा जो भाग आता है वो आता है हमारा जो रिवर साइड एरियाज़ हैं या तटवर्ती क्षेत्र हैं उनका. तो ख़ास तौर से हम इनके बारे में विचार करना चाहते हैं. अब हम हिमालय पर्वत की बात करते हो तो हिमालय के जैसे कि हमने अभी डिस्कशन किया कि ये अफ़गानिस्तान से शुरू होकर म्यांमार तक फैल जाता है. म्यांमार दूसरा देश है और हमने इसे भारतीय ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंतर्गत अभी देखा. तो म्यांमार तक अगर ये फैल जाता है, और इसके जो उत्तर की तरफ हम देखेंगे वहाँ पर है तिब्बत का पठार, प्लेटू ऑफ तिब्बत. और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2400 किलोमीटर्स है, और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 350 किलोमीटर्स चौड़ाई है. विड्थ इसकी 350 किलोमीटर्स है. और हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर लगभग 114 पीक्स या चोटियाँ हैं, मींस माउंटेन रेंजेस में जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो लगभग 114 हैं. और
इनमें जो सबसे ऊंची चोटी है वो हम जानते हैं कि वो है माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट इस समय तिब्बत और नेपाल की सीमा पर बनी हुई है। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम और नेपाल की बॉर्डर पर स्थित है, अवस्थित है। इसके बाद जब हम पूर्व में जाते हैं तो पूर्व में ये पटकोई, नागा, खासी, गारो, जयंतिया, लुशाई और चिन नाम की जो पहाड़ियाँ रेंजेस हैं उनसे मिलके बनती है। तो इस तरह से जो हिमालय की जो पूरी ज्योग्राफिकल सीमा है वो इस तरह से हम इसे बांध सकते हैं। अब दूसरे बारे में हम आते हैं कि ये जो हिमालय की जो सीमा है इसमें से किसी भी उत्तरी भारत के उत्तरी क्षेत्रों के या जो नॉर्दर्न एरियाज थे वहाँ के किसी भी इन्वेडर को या कोई इन्वेशन वहाँ से हो ही नहीं पाया। उसका कारण था ये हिमालय, क्योंकि ये तीन रेंजेस है और बहुत एक शिवालिक है, फिर मिड हिमालय है, फिर ग्रेटर हिमालय है, और इन्हें पार करके आना किसी के लिए कभी संभव रहा ही नहीं। तो जो भी हमारे यहाँ इन्वेडर्स आए और जो भी इन्वेशन हुए वो पूरे नॉर्थ वेस्ट से आए, यानी कि जहाँ से पाकिस्तान वाला एरिया वहाँ से होकर आते थे। अब हम जान लेंगे कि ये जो इन्वेडर्स है ये पूरा का पूरा हिमालय पार करके, जैसे हम मंगोल की बात करते हैं, पूरा हिमालय पार करके और नॉर्थ वेस्ट रीजन से ये हमारे यहाँ एंटर करते थे। तो नॉर्थ वेस्ट रीजन से एंटर करना ही हमारे यहाँ एक मात्र रास्ता था। अब इसमें हम जब बात करेंगे तो यहाँ दाखिल होने के लिए, एंटर करने के लिए जो प्राकृतिक पासेज हैं, नेचुरल पासेज हैं, यानी कि नेचुरल दर्रे हैं, उनसे ही यहाँ पर आया जा सकता है। तो अब हम भारत में दाखिल होने के लिए जो दर्रे थे उनकी बात करेंगे। तो जो दो मुख्य दर्रे थे उनमें एक था खैबर और एक था बोलन। सो दीज पासेस, इंपॉर्टेंट पासेस टू एंटर इन इंडियन कॉन्टिनेंट, सो दे आर सिचुएटेड इन पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर। और जो पहला दर्रा खैबर है वो उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उस पर सिचुएटेड है। और दूसरा जो बोलन की मैं बात कर रहा था वो पश्चिमी पाकिस्तान के बलूचिस्तान जो प्रोविंस है उसका हिस्सा है। तो ये जो दोनों दर्रे थे यहीं से ज़्यादातर इन्वेडर्स ने रास्ता लिया और वो यहीं से भारतीय उपमहाद्वीप में एंटर हुए। अब हम बात करते हैं उन तीन कैटेगरीज की जिनको हमने डिवाइड किया कि भारतीय उपमहाद्वीप को अगर हम स्टडी करेंगे तो उसे हम तीन भागों में बांटते हैं। जैसा कि हमने पहला देखा कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है उसको पहले भाग में रखते हैं। दूसरा है हमारा मध्य भारत, जिसे मध्य भारत का पठार कहते हैं। और तीसरा है सुदूर दक्षिण का पठार या दक्कन प्लेटू जिसे कहते हैं। इसके अलावा इसमें एक और जो भाग है वो है प्रायद्वीपीय भारत या रिवर साइड कोस्टल एरियाज। तो हम पहले वाले की बात करेंगे तो ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, जो प्लेन है, ये बहुत फर्टाइल है। और ये फर्टाइल इसलिए है क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच और उनसे लाई हुई जो मिट्टी है, उनके बीच में स्थित है, लाई हुई जो मिट्टी बहाकर लाई गई है, तो एक तरह से ये सेडिमेंट एरिया है। और यहाँ पर जो है वो फारलैंड बेसिन की तरह काम करता है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो उपजाऊ मिट्टी है वो यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है और यहीं पर ज़्यादातर जो फर्टाइल लैंड है और बहुत सारी संस्कृतियाँ यहाँ पर पली बढ़ी। और इस पर्टिकुलर जो रेंज है इसकी हम बात करेंगे तो ये जो पूरे प्लेन है इसकी लंबाई लगभग है 3200 किलोमीटर्स या 32,000 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर्स के अराउंड आसपास ये लगभग आती है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि दूसरा जो पार्ट है वो है मध्य भारत का पार्ट, तो मध्य भारत के पार्ट में जो विंध्याचल और सतपुड़ा की जो रेंजेस हैं वो पूर्व से लेकर पश्चिम की तरफ यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो फैली हैं पैरेलल, उनके जो नॉर्थ साइड में जो एरिया है वो कहलाता है मध्य भारत और इनके जो दक्षिण में या साउदर्न एरिया है वो कहलाता है हमारा दक्कन प्लेटू। और ये जो दोनों पहाड़ियाँ हैं या रेंजेस हैं इनके बीच का जो एरिया है वो रिफ्ट के रूप में है और यहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं वो पूर्व की तरफ ना गिर के ईस्टर्न साइड रिवर्स नहीं है, ये किस तरफ फ्लो करती हैं, वेस्टर्न साइड में ये फ्लो करती हैं और इनमें नर्मदा और ताप्ती है। तो ये एक तरह से रिफ्ट बनाता है, यानी कि इसका जो स्लोप है वो कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी की तरफ ना होकर ये अरब सागर की तरफ है, बाकी सारी नदियों का फ्लो है बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो हम ये बात एक यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दक्कन का पठार जो है वो इसके जो दक्षिण में एरिया पड़ता है वहाँ पर दक्कन प्लेटू कहलाता है। इसके अलावा हमने प्रायद्वीपीय भारत की बात की तो प्रायद्वीपीय कोस्टल एरियाज, रिवर साइड एरियाज हैं, वो जो एरियाज हैं वो हम देखेंगे बे ऑफ कैम्बे से अगर हम केरला तक आएँ
वेस्टर्न एरियाज़ में, तो वो पूरा का पूरा जो एरिया है वो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। और ये भी बड़ा उपजाऊ है क्योंकि यहाँ पर कई छोटे छोटे नदियाँ और यहाँ बारिश बहुत होती है, तो यहाँ की जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल है और क्लाइमेट भी बहुत प्लीजेंट है, और यहाँ पर भी बहुत अच्छी तरह से डेवलपमेंट के जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा है। और यहाँ पर जो पहला वाला ऊपर का जो पार्ट है जो कैम्बे से बीच में यहाँ तक आता है उत्तरी भाग है, उसे हम कहते हैं कोंकण एरिया, और कोंकण के बाद वाला जो एरिया जो केरला तक जाता है वो कहलाता है मालाबार एरिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये तीन चार एरियाज जो हमने देखे हैं यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो कल्चर्स डेवलपमेंट हुए, कल्चरल डेवलपमेंट को हम इन्हीं के बेस पर देख सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ की क्लाइमेट था, जो यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध संसाधन थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, उन्हीं के बेस पर यहाँ पर जितनी भी कल्चर या डेवलप संस्कृतियाँ, मानवीय संस्कृतियाँ डेवलप हुई। अब हम बात करते हैं दूसरे फेज़ में, वो आती है कि हम जिस इतिहास की बात करते हैं वो होता है मानव इतिहास। तो मानव इतिहास में उसकी उत्पत्ति से हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे जो हिस्टोरियंस या हमारे ज्योग्राफिकल या जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि जो पूरी हमारी अर्थ है इसकी लाइफ या इसकी जो ओरिजिन है वो कब से है। तो पृथ्वी का जन्म के बारे में बहुत सारी हाइपोथेसिस और बहुत सारे रिसर्चेस उन्होंने अपने अकॉर्डिंग दिए, और उन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग वो लोग कहते हैं कि पृथ्वी की जो उम्र है वो 4600 मिलियन ईयर्स है। तो 4600 मिलियन ईयर्स पहले हमारी पृथ्वी अस्तित्व में आई, और उसके बाद इसमें जो क्रीचर्स उनकी जो ओरिजिन है ऑर्गेनिज्म है वो शुरू हुआ है 60 करोड़ ईयर्स बिफोर, यानी कि 600 मिलियन ईयर्स बिफोर। तो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो मानव इतिहास है वो कब से शुरू होना ये बताते हैं। इसके बाद ये बात सामने निकल के आई कि इंसान की उत्पत्ति या इंसान का ओरिजिन कैसे हो रहा है। तो सबसे पहला जो हमें इंसान के ओरिजिन का जो एविडेंस हमें मिला है वो मिला है अफ्रीका में, और अफ्रीका में जो सबसे पुराना इंसान का जो स्कल्प मिला है और उसको कार्बन डेटिंग के बाद जब देखा गया तो दैट वाज 42 लाख ईयर्स ओल्ड, और वो 42 लाख साल पुराना था। और इसके बाद जिस वर्तमान मानव की हम बात करते हैं, जिनका इतिहास हम पढ़ते हैं, जो एडवांस था वो लगभग 50,000 ईयर्स बीसी में वो हमें मिलता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दो बातें निकल के आती हैं। अच्छा, एक बात और इसमें साफ कर देना ज़रूरी है कि भारतीय उपमहाद्वीप में इतने पुराने किसी मानवीय स्केलेटन या कोई फॉसिल की हमें एविडेंस नहीं मिला है। हमने जो भी कुछ भारतीय उपमहाद्वीप में पता लगाया है वो हमने उनके जो एक्टिविटीज़ थी या उनके जो औजार थे या उनके इंस्ट्रूमेंट्स थे या उनके इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड जो हमारे पास एविडेंस थे उनसे हमने पता लगाया कि यहाँ पर भी उनके एक्टिविटीज़ रही होगी। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमें मिले हैं वो सबसे पुराने अगर इंस्ट्रूमेंट्स के एविडेंस हमें मिले हैं तो शिवालिक रेंजेस में हमें 12 टू 20 लाख ईयर बिफोर के एविडेंसेस हमें मिले हैं, यानी 12 से 20 लाख वर्ष पुराने जो सोर्सेज हमारे पास हैं कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में शिवालिक में ये मिलते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में भी ऐसे मानव बस्तियों के या उनकी कॉलोनीज़ के एविडेंसेस हमें मिले हैं। तो पुणे डिस्ट्रिक्ट के पास एक बोरी नाम की जगह है, वहाँ से भी हमें 13 से 14 लाख साल पुराने एक्टिविटीज़ के और उनके एविडेंसेस हमें मिले हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ मानवीय अवशेष यहाँ पर रहे जिसका हम इतिहास में अध्ययन कर सकते हैं। अब बात आती है इतिहास के अध्ययन की। तो हमने आपको पहले ही बताया कि इतिहास को अध्ययन करने के लिए हम जिस इतिहास की भी बात कर रहे हैं ये प्राग ऐतिहासिक काल है। अब हमने प्राग ऐतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा था। वी हैव बीन क्लासिफाइड द प्री हिस्टोरिक एज इन 3 कैटेगरीज। नंबर 1 वॉज पैलियोलिथिक एज, दैट वॉज स्टार्ट फ्रॉम 25 लाख बीसी टू 10,000 बीसी। और जो पहला एरिया है, जो पहला क्लासिफिकेशन, वो हमारा पूरा पाषाण काल, जिसे हमने 25 लाख साल से लेकर 10,000 बिफोर क्राइस्ट तक रखा। सेकेंड वॉज मेसोलिथिक एज, दैट बिगिन्स फ्रॉम 9,000 और 8,000 बीसी टू 4,000 बीसी। और हमने जो दूसरा कालखंड रखा है वो है मध्य पाषाण काल, जो कि 8,000 ईसा पूर्व से शुरू होकर 4,000 ईसा पूर्व तक आता है। और तीसरा जो एज है
कैटेगरी है वो हमने रखी है न्योलिथिक एज या नवपाषाण काल, जो कि 9000 BC से शुरू होकर 1000 BC तक आता है। तो ये मोटा मोटा हमने से तीन भागों में बांट लिया। अब हम जिस कालखंड की बात करने वाले हैं वो है हमारा पहला कालखंड, यानी कि पुरापाषाण काल या पैलियोलिथिक एज, जो कि 200,000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट से शुरू होता है और 10,000 बिफोर क्राइस्ट तक चलता है। अब इस पर्टिकुलर एज को, यानी कि पुरापाषाण काल को या पैलियोलिथिक एज को भी हमने तीन भागों में या तीन कैटेगरीज में बांट दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया, क्योंकि हम इसे आसानी से समझ सकें। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है पूर्व पुरापाषाण काल या लोअर पैलियोलिथिक एज, जो कि 2500,000 या 2500,000 BC से शुरू होता है और ये 900,000 BC तक आता है। अब ये जो टाइम पीरियड है इसमें हमने अलग अलग डिवीज़न क्यों किया, ताकि हम इसे समझ सकें कि ये जो कल्चरल डेवलपमेंट है आखिर वो कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। अभी हमने ऊपर के जो दो भाग हैं उन्हें भी छोड़ के रखा है, तो हम इस पहले पैलियोलिथिक एज को ही तीन कैटेगरी में डिवाइड करके ठीक से इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला हमारे पास एक्टिविटी का एविडेंस जो हमें मिलता है वो यहाँ से शुरू होता है, तो ये इस जो एविडेंस की एक्टिविटी है इसे कहते हैं चॉपर चॉपिंग कल्चर या पेबल संस्कृति या चॉपर चॉपिंग संस्कृति। इसके भी हम बारे में बात करेंगे। इसमें दो तरह की संस्कृतियाँ मिली हैं, एक तो ये चॉपर चॉपिंग हो गई और दूसरा हैंड एक्स। चॉपर चॉपिंग क्या है इसके बारे में हम आप पहले बात करेंगे। चॉपर चॉपिंग मीन्स दो तरह के हमारे पास औजार हैं, एक तो चॉपर है, यानी चॉपर क्या है, पेबल से बनाया गया एक चॉपर जिसमें एक तरफ धार है जो काटने के लिए काम आता है, जैसे चॉपर हम जिसे कहते हैं। और पेबल क्या है, पेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आप कभी नदी के किनारे जाएंगे तो वहाँ पर आपको नदी में से निकालेंगे तो चिकने गोल पत्थर हमें मिलते हैं, तो लगभग इस साइज़ के या इससे बड़े साइज़ के जो गोल चिकने पत्थर होते हैं वो पेबल कहलाते हैं, और उनको घिस के या तोड़कर एक तरफ से उसमें धार बना दी जाती है, एक तरफ से नुकीला कर दिया जाता है, एक तरफ से मोटा होता है, उसे पकड़ के हम चॉप कर सकते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड चॉपर। और चॉपिंग में हम देखेंगे कि उसी पेबल में जब दोनों तरफ धार बना देंगे तो वो चॉपिंग हो जाएगा, यानी दोनों तरफ से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो ख़ास तौर से हथियार वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर हैंड एक्स मीन्स कि किसी इस पैबल को, जब लंबे पैबल को एक तरफ से धार बना के, दोनों तरफ धार बना के चॉपिंग या चॉपर बनाने के बाद फिर उसे किसी लकड़ी या हड्डी में जोड़ के उसको एज ए टूल या एज ए वेपन यूज़ करेंगे तो वो बन जाएगा हैंड एक्स। अब हम इसमें बात करते हैं कि ये हमें मिलते कहाँ से हैं। तो जो हमें पहला एविडेंस इसका जो मिलता है वो पंजाब की सोहन नदी घाटी है, वहाँ से मिलता है, सोहन रिवर वैली से, जो अब हमारे भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान में जा चुका है, और वहीं से हमें पहला बनाया हुआ पेबल या ये जो इसकी जो एजेस हैं उससे बना हुआ चॉपर या चॉपिंग के जो हमें हथियार मिले हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो दूसरे तरीके के औज़ार हैं ये हमें हैंडेक्स वाली जो बात करते हैं, तो ये मद्रास के वदकदुराई एरिया से हमें ये और अतिरिपक्कम से हमें ये दो तरह के जो हैंडेक्स मिलते हैं, और इनको हम देखेंगे कि ये कोई एक जो पत्थर है, कोई भी पत्थर, अब पैबल नहीं है, ज़रूरी है कि पैबल से ही बना, ये कोई भी पत्थर को लेकर बनाया और उनको दोनों तरफ से धार बनाई और उन्हें यूज़ किया, और इसमें भी तीन तरह के हैंडेक्स हमें मिले हैं। इसको हम क्वीलर भी कहते हैं, स्क्रैपर भी कहते हैं, और क्वीलर और स्क्रैपर का मतलब है कि ब्लेड की तरह ये यूज़ किए जाते थे। इसके अलावा फिर हमें कश्मीर और उसके वैली के आसपास जो पहलगाम और लिद्दर एरिया है, नदी है उसके पास के जो एरियाज़ हैं वहाँ से हमें ये इस तरह के औज़ार मिले हैं। फिर अगर हम पाकिस्तान में जाएं तो पाकिस्तान में तो सोहन नदी घाटी की बात हमने की है, रिवर वैली के पास से, यहाँ से 1928 में DN वाडिया ने सबसे पहले यहाँ से जो टूल था या इंस्ट्रूमेंट्स था वो निकाला। उसके बाद 1930 में KRU.Dot ने यहाँ पर खुदाई की, और 1935 में D.Tera ने भी यहाँ पर खुदाई की, और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों ने बहुत कुछ यहाँ से खोजने की कोशिश की और सर्वे करके निकाला। इसके बाद हम देखते हैं 1956 में बीबी लाल ने भी जो व्यास रिवर है उसकी जो वैली है उसमें भी बहुत सारे इस तरह के उपकरण या इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ से देखे हैं। इसके अलावा फिर राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में लूनी नदी वैली,
और गंभीर वैली रिवर वैली ये भी है, और चंबल रिवर वैली यहाँ से भी मिलता है। इसके अलावा वैराज जो रिवर है वो भी एक इसके एविडेंस हमें देती है, और नागौर डिस्ट्रिक्ट में हमें यहाँ पर और भी एविडेंस मिल जाते हैं। तो ये बात होगी राजस्थान की। अगला है गुजरात। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में गुजरात में भी जो साबरमती और माही रिवर वैली है उनमें हमें ये मिलते हैं। फिर एमपी की बात करेंगे तो एमपी में नर्मदा रिवर वैली में यहाँ पर हमें हथनौरा एक जगह है, वहाँ पर हमें पहली बार जो स्कल है मानव की खोपड़ी है वो हमें इसकी हमें एविडेंस मिले हैं। इसके अलावा भोपाल के दक्षिण में हम देखते हैं कि एक गुफा है जो भीमबेटका है, जहाँ पर 600 BC की हमें पुरानी गुफाएं केजेस मिले हैं, जहाँ पर बहुत सारे पेंटिंग वहाँ पर बनाई हुई हैं, और इनसे हमें उस समय की जो कल्चर है उसको समझने में जानने में बहुत आसानी होती है। इसके अलावा आदमगढ़ की भी केजेस हैं पहाड़ियों में बनी हुई हैं, उनसे भी हमें जानने में बहुत सहायता मिलती है। तो ये मध्य प्रदेश की बात होगी। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में इसके एविडेंस कहाँ हैं। तो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर में जो बेलन रिवर वैली है वहाँ से हमें सबसे पहले इस पर्टिकुलर मेसोलिथिक या लोअर पैलेलिथिक एज के हमें एविडेंस मिलते हैं, और यहाँ पर हमें मेसोलिथिक एज, पैलेलिथिक एज और न्यूलिथिक एज तीनों के एविडेंसेस इस पर्टिकुलर वैली से मिलते हैं। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा रिवर वैली है जहाँ से हमें पहली बार में तीनों स्टेजेस के एविडेंसेस हमें मिलते हैं। तो ये बेलन रिवर वैली में जो प्रताप मिर्ज़ापुर में है वहाँ से हमको मिलते हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे कि बेलन नदी जो कि टोंस की सहायक नदी है, और यहाँ इसके पास एक लोहदा नाला एरिया भी पड़ता है, यहाँ से हमें हड्डी की बनी एक मूर्ति मिली है, यानी आइडल मिली है, जो कि माता देवी की मानी जाती है, मतलब कि लेडी गॉड, फीमेल गॉड है, उसकी मान सकते हैं, ऐसी हमें मिली है। तो आगे हम बढ़ेंगे फिर महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में नेवासा नाम की जो जिला है, जगह है, वहाँ के पास में चिरकी है, चिरकी से भी हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं। कोरेगांव, चंदौली, शिकारपुर, यहाँ से बहुत सारी इस पैलियोलिथिक एज की जो कॉलोनीज थी उनके बारे में हमें पता लगता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दामोदर रिवर वैली और स्वर्णरेखा रिवर वैली की जो प्लेसेस हैं, साइट्स हैं, वहाँ से भी हमको पैलियोलिथिक एज के एविडेंसेस मिलते हैं। अब आते हैं उड़ीसा के पास। तो उड़ीसा में वैतरणी और ब्राह्मणी जो रिवर वैली है और महानदी डेल्टा है उसके एरिया में भी हमें बहुत सारे पैलियोलिथिक एज के एविडेंसेस मिल जाते हैं। इसके अलावा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में भी वहार वलंग भी एक एरिया है जहां से हमें कई कुल्हाड़ियां और खुरचनियां, स्क्रैपर्स हमको मिल जाते हैं, और यहां ब्लेड्स भी मिलते हैं। तो ये एविडेंसेस हमारे पास यहां से मिलते हैं। आप इनको ध्यान से कहीं नोट कर लीजिए क्योंकि हमें क्वेश्चन कई बार इनसे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद अगर साउथ इंडिया की बात करें तो पूरा जो साउथ इंडिया है उसे हमने मद्रास संस्कृति भी कहा गया, हमारे जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने कहा। इसमें रॉबर्ट ब्रूस फूड जो थे उन्होंने 1863 में मद्रास के पल्लवरम, इस जगह पल्लवरम नाम की जगह से रॉबर्ट ब्रूस फूड ने 1863 में सबसे पहला हैंड एक्स खोजा, उन्होंने इसको एक्सप्लोर किया। और उनके भी दोस्त थे एक जो किंग, उनका नाम था किंग, उन्होंने अतिरिपक्कम नाम की जगह है वहाँ से भी बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हमारे पास उपलब्ध कराए। उसके बाद डी टेरा और पीटरसन ने भी जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक मिशन पे आए हुए थे उन्होंने भी यहाँ बहुत सारी खोज की, और यहाँ पर जो कार्ल तैयार रिवर घाटी है वहाँ पर भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्सप्लोरेशन किए और बहुत सारे यहाँ पर उन्होंने एविडेंसेस खोजे। फिर आंध्र प्रदेश में हम देखेंगे कि जो गिद्दलूर और करीमपुर जगह है वहाँ से भी हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं। कर्नाटक में कृष्णा, मलप्रभा, घटप्रभा रिवर वैली है, यहाँ से भी हमें इस एज के, पैलियोलिथिक एज के एविडेंसेस मिल जाते हैं। और हम देखते हैं कि इस तरह से हमें ये पूरा जो एरिया है उसमें हमें इस पैलियोलिथिक एज के एविडेंसेस मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर लोअर पैलियोलिथिक एज में जो उनका जनजीवन था, उनके जो एक्टिविटीज़ थे, उनके कल्चर था, वो कैसा था। तो पहली बात तो ये हमें जो इनसे हमें जो इंस्ट्रूमेंट्स या हमें जो एविडेंसेस मिले इनसे हमने ये अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ पर कृषि का हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलता, मीन्स कि वो एग्रीकल्चर से बिल्कुल अपरिचित थे और उन्हें इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये लोग सिर्फ शिकार करते थे, हंटिंग पे डिपेंड थे, प्रीडिएटर थे, और इनका जो काम था वो सिर्फ इतना था कि अपने लिए खाना
ढूंढना, उसको संग्रह कर लेना मीन्स कंज्यूमर थे, और उसे रख लेना या उसको अपने पास कंज्यूम करके रखना, ये दो चीज़ें थी। और इसके अलावा हमें यहाँ पर कोई भी पशुपालन के या कोई पास्टोरल एविडेंसेस हमें यहाँ पर नहीं मिलते हैं। फिर ये लोग आग या अग्नि से परिचित तो रहे होंगे, दे वर मच अवेयर अबाउट द फायर बट दे डू नॉट नो टू कंट्रोल इट। और वो अग्नि से परिचित तो थे लेकिन वो आग को नियंत्रण करना नहीं जानते थे, या वो आग को कैसे जलाना है, उसे कैसे कंट्रोल में रखना, उसको वो बिल्कुल नहीं जानते थे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से हम देखते हैं इस समय का जो इंसान था वो सिर्फ अपने सेल्फ सिक्योरिटी थी उसके लिए वो काम करता था, और उसको खाना चाहिए था, उसे अपनी सुरक्षा भी करनी थी और अपने ग्रुप की भी सुरक्षा करनी थी, तो वो यहाँ पर जानवरों पर या शिकार पर या पेड़ पौधों पर ही डिपेंडेंट था। तो इस तरह से हम इस पहले फेज में देखेंगे कि यहाँ का जो इंसान है वो किस तरह से अपने आप को जिंदा रखे हैं। इसी के बाद हम इसके दूसरे फेज़ में जब जाएंगे